हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त किशन हरचंदानी, और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं MacBook Pro 16 इन 2019 का जो मॉडल है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि इस समय हमारे जो देश है, हमारी जो दुनिया है, वो एक ग्लोबल त्रासदी से गुजर रही है जिसका नाम है कोरोना वायरस। तो प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि आप लोग घर में रहिए, तो प्लीज़ आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, मेरी राय, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और ये कोई रिव्यू नहीं है, ये कोई टेक रिव्यू नहीं है, कोई अनबॉक्सिंग नहीं है, क्योंकि मैंने ये MacBook Pro ले लिया है, इसको अनबॉक्स कर लिया है और इस पर काम करना भी मैंने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मैं कोई स्पेसिफिकेशन के बारे में बात नहीं करूँगा। हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि मेरे पास जो वेरिएंट है वो कौन सा है। इसे आप कह सकते हैं बेस मॉडल, क्योंकि इंडिया में दो ही मॉडल अवेलेबल हैं, बेस मॉडल और प्रो मॉडल। आप उनमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। एक जो मॉडल है i7 512GB ऑफ SSD एंड 16GB ऑफ रैम एंड 4GB ऑफ ग्राफिक कार्ड वाला, उसको आप बेस मॉडल कह सकते हैं, जिसकी कीमत है 2 लाख रुपये। तो मैंने वही लिया है। और जो दूसरा है अपग्रेडेड वाला, वो अराउंड 2.5 लाख के आसपास है, 2,40,000, जिसमें आपको i9 प्रोसेसर, 16GB ऑफ रैम और 1TB SSD, उसके साथ में मेरे हिसाब से 8GB का ग्राफिक कार्ड आपको मिलता है। तो मैंने वाला मॉडल नहीं लिया है, मैंने बेस मॉडल लिया है। और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इसकी कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं नहीं बताऊँगा आपको, जैसे कि और दूसरे जो वीडियोज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि वही चीज़ें घूम फिर करके मैं नहीं बताऊँगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि क्या आपको वाकई खर्च करने चाहिए 2 लाख रुपए इस लैपटॉप पे। क्योंकि मैंने कुछ और इंडियन यूट्यूबर्स के वीडियो देखे हैं, एक वीडियो तो काफ़ी बड़ी मतलब अजीब सा ही है, उसमें उस बंदे ने मैकबुक प्रो लिया है 2 लाख रुपए का, उसके अलावा फिर उसने डोंगल लिए 5,000-7,000 के, फाइनल कट प्रो जिसके लिए लोग मैकबुक लेते हैं, वीडियो एडिटर खास तौर पर, वो उसने ख़रीदा, एडोब के सॉफ्टवेयर खरीदे, और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था अपने चैनल पर कि मैंने एप्पल के लोगों के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, और एप्पल ने मेरी लुटिया डुबा दी, और एप्पल को यप्पल यप्पल या कुछ भी बोल रहा था XYZ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पहले समझना है कि क्या वाकई आपको एप्पल के मैकबुक प्रो की ज़रूरत है, क्या वाकई आपको 2 लाख रुपये एक ऐसी मशीन में, लैपटॉप में इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि 2 लाख रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती है। तो कई लोगों की शिकायत रहती है कि यार इसमें गेम्स चलते नहीं है, वो बंदा भी यही शिकायत कर रहा था, इसमें गेम भी नहीं खेल सकते, 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको गेमिंग करनी है और सिर्फ नॉर्मल टास्क करने हैं, कोई भी ग्राफिक हैवी, कोई भी क्रिएटिव टाइप के काम आपको नहीं करने, तो आप एप्पल का मैकबुक प्रो मत लीजिए। इसकी तो इसकी जगह पर आप ले सकते हैं PlayStation 4। अगर आपको गेमिंग ही करनी है, जैसे मैं भी एक गेमर हूँ, मैं गेमिंग करता हूँ, लेकिन मैंने कोई अपनी विंडो मशीन अपग्रेड नहीं करा रखी है, इनफैक्ट मेरे पास विंडो की कोई मशीन है भी नहीं, मैंने PS4 लिया है। और वैसे भी आजकल जितने भी गेम हैं ना, वो PlayStation 4 एक्सक्लूसिव आ रहे हैं, जितने भी अच्छे गेम हैं, चाहे आप रेड डेड रिडेम्पशन ले लीजिए, चाहे स्पाइडरमैन ले लीजिए, लास्ट ऑफ अस ले लीजिए, कोई सा भी गेम ले लीजिए, जितने भी अच्छे गेम हैं वो एक्सक्लूसिव PS4 ही आ रहे हैं, इनफैक्ट PS5 भी आने वाला है। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप PlayStation 4 लीजिए, वहाँ पे गेमिंग कीजिए, उसमें आप ब्लूरे डिस्क में मूवीज़ भी देख सकते हैं, इंटरनेट सर्फिंग भी कर सकते हैं। तो 30,000 रुपये का PlayStation 4 लीजिए, बजाय MacBook Pro से ये आशा करने के कि ये गेम चला देगा, ये गेम नहीं चलाएगा, क्योंकि ये गेमर्स के लिए नहीं है लैपटॉप। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको, गेमर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप 2 लाख रुपये सिर्फ इस बात पर खर्च करना चाहते हैं कि हम इसमें गेमिंग कर सकें, तो आप निराश ही होंगे। तो गेमिंग पर्पज़ से आप इस लैपटॉप को मत लीजिए। इसके अलावा अगर आपको बेसिक सर्फिंग करनी है, वर्ड एक्सेल वगैरह में काम करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, और ऑनलाइन सर्फिंग करनी है, तो भी आप इसको मत लीजिए। तो इसका सीधा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको एप्पल का लैपटॉप चाहिए ही है, तो आप मैकबुक एयर ले लीजिए, प्रीवियस जनरेशन वाला आ रहा है, इनफैक्ट जो नया वाला है वो भी अराउंड 1 लाख के आसपास है। तो प्रीवियस जनरेशन का आपको 60,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा, 30,000 का PS4 लीजिए, एप्पल के लैपटॉप पर आप सर्फिंग वगैरह कीजिए, PlayStation 4 में गेम खेलिए, आपका वर्क बस सॉल्व। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं ये 2 लाख का लैपटॉप लेके आप इसमें गेमिंग करेंगे, तो ये तो गलत है, मतलब मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने क्यों इसमें 2 लाख रुपए खर्च किए हैं, इसका क्या रीज़न है। तो मैं एक क्रिएटिव प्रोफेशनल हूँ, मुझे 15 साल के अराउंड हो गए हैं ग्राफिक डिज़ाइन करते हुए, उसके अलावा UI डिज़ाइन करी, उसके अंदर कोडिंग वगैरह मैंने सीखी,
तो ये सब करते हैं अराउंड मेरे को 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसमें से 10 साल मैंने विंडो सिस्टम पे काम किया है। मतलब मैंने विंडो सिस्टम पे ही सीखा, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर, उस वक्त पेज मेकर चलता था, तो ये सॉफ्टवेयर मैंने सीखे, उस पर मैंने वर्क किया काफ़ी सारा। कोरल ड्रॉ में मैंने अराउंड 8 से 9 साल काम किया, और उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ी, क्योंकि मैंने कहीं भी जॉब किया वहाँ पे विंडो सिस्टम ही था, मैक सिस्टम नहीं था, मतलब कम तो क्या मैं बोलूँ नहीं था, कहीं नहीं था, तो विंडो सिस्टम पर काम करना पड़ता था। और ऐसी कोई परेशानी भी नहीं थी विंडो सिस्टम पे, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी विंडो सिस्टम पे ही काम करते हैं, मैंने विंडो सिस्टम से ही सीखा। और 10 साल काम करने के बाद जब मैंने जॉब छोड़ी और ख़ुद की आईटी कंपनी शुरू की, मेरे पास कुछ ओवरसीज़ के क्लाइंट रहे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि वाई डोंट यू यूज़ मैक, आप मैक यूज़ कीजिए, एप्पल का मैक। तब मैंने सबसे पहले मैक यूज़ किया उनके बोलने पर, क्योंकि होता क्या था, मैं कोरल ड्रॉ में फाइल बनाता था और मैं बाहर भेजता था। जो भी क्रिएटिव प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर वो जानते हैं कि कोरल ड्रॉ एक ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, तो मैं कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन बनाता था, जाहिर तौर पर उसी में बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को 8-9 साल हो गए थे काम करते हुए, तो मेरा हाथ काफ़ी फ्लुएंट हो गया था, मैं काफ़ी फास्ट काम करता था कोरल ड्रॉ पे। लेकिन जब मैं उनको ओपन फाइल भेजता था CDR की, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आता था कि ये फाइल हमें नहीं चाहिए, वी आर नॉट वर्क इन कोरल ड्रॉ। मतलब US में इंटरनेशनली कोई कोरल ड्रॉ में काम नहीं करता, बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती थी कि मैं उनको PDF देता था तो भी दिक्कत आती थी, क्योंकि वो ओपन फाइल मांगते थे, कई बार PDF से काम हो जाता था, नहीं कई बार वो लोग ओपन फाइल मांगते थे कोरल ड्रॉ की। तो इस वजह से मुझे इलस्ट्रेटर पे मूव होना पड़ा, क्योंकि अगर आप काम करना है तो आप क्लाइंट को ये दलील नहीं दे सकते कि हम इस सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करते। अगर क्लाइंट बोले मुझे AI फाइल चाहिए, तो आपको डिलीवर करनी ही पड़ेगी AI फाइल, अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि हम कोरल पे काम करते हैं तो आप भी कोरल पे मूव हो जाइए, नहीं, आपको होना पड़ेगा क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर पे मूव जिस सॉफ्टवेयर पे क्लाइंट वर्क करता है। तो मुझे उसमें इलस्ट्रेटर वर्क करना पड़ा, और एडोब के जो सॉफ्टवेयर हैं वो मैंने देखा है कि मैक के ज़्यादा कंफर्टेबल हैं बजाय विंडो के। मतलब विंडो पे वो इतना अच्छा वर्क नहीं करते हैं जितना मैक पे करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इलस्ट्रेटर विंडोज़ पे काफ़ी प्रॉब्लम देता है, लेकिन मैक पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी मैक वर्सेस विंडो में, वो है एप्लीकेशन क्रैश। जितनी भी हैवी एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रैश होती हैं, चाहे आप एडोब फोटोशॉप ले लीजिए, इन डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, कोई भी ले लीजिए, बहुत ज़्यादा क्रैश होती थी। कहीं भी विंडो में काम करते करते एप्लीकेशन क्रैश हो जाती थी, और ये मान के चलिए हर 6 महीने में सिस्टम को फॉर्मेट करना ही पड़ता था। कभी कोई वायरस आ रहा है, कभी सॉफ्टवेयर स्लो हो रहा है, कभी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपेटेबिलिटी इशू, ऐसे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। तो उसमें क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता था। और आज के ज़माने में मैं समझता हूँ टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी, टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मनी से। तो मुझे टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और इनफैक्ट कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि आप सोच के बैठते हैं यार आज कुछ अच्छा इनोवेटिव क्रिएटिव करेंगे, और आप जब सिस्टम में बैठते हैं तो सिस्टम प्रॉब्लम देने लगता है, कभी एप्लीकेशन क्रैश हो रही हैं, और कभी सिस्टम स्लो चल रहा है, कभी किसी चीज़ की लोडिंग, कभी किसी चीज़ का अपडेट। और विंडोज़ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा अपडेट लेती है, बैकग्राउंड वाला विंडोज़ सिस्टम चलाइए और वो बैकग्राउंड में जाने के अपडेट करता रहेगा, आपको पता ही। तो ये सब चीज़ें जो मैंने विंडो में फेस की, और मैंने विंडोज़ सिस्टम बहुत ज़्यादा फॉर्मेट किए हैं, इनफैक्ट एक टाइम में मैं विंडोज़ का सिस्टम खुद असेंबल कर देता था। तो मैंने जब एप्पल में मूव किया तो मैंने डायरेक्ट खर्चा नहीं किया एप्पल मैकबुक प्रो पर, क्योंकि वो उस वक्त भी 70-80 हज़ार रुपये की आती थी। तो मैंने एक खुद का सिस्टम असेंबल किया विंडो सिस्टम, और उस पर हैकिंटोच डाला। जो लोग भी हैकिंटोच जानते हैं उन्हें पता होगा कि हम कैसे किस तरीके से हैकिंटोच, मतलब एक तरीके से आप मैक का जो OS है वो विंडो सिस्टम में रन कर सकते हैं हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी को देखकर। मतलब हैकिंटोच को जो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी चाहिए, आप उन हार्डवेयर को असेंबल करके एक PC रेडी कर लीजिए और उसमें आप हैकिंटोच इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने मैक OS का योशेमाइट जो है OS वो हैकिंटोच में इंस्टॉल किया, और वहाँ पर मैंने वर्क करना शुरू किया सबसे पहले एप्पल मैक में, आज से 5 साल पहले, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था। उसका नाम मैंने लिया मैकबुक प्रो नॉन रेटिना, जो 2012 का जो वेरिएंट आता है वो लिया, उसको मैंने अपग्रेड कराया, 240 GB की SSD लगाई, और 500 GB की जो HDD उसकी आती वो मैंने DVD ड्राइव की जगह पर लगा दी। तो मेरे पास टोटल 750 GB के आसपास का वो हो गया, और 8-8 GB की दो रैम लगा के 16 GB ऑफ रैम उस नॉन रेटिना वाले सिस्टम मैंने लगाई। अगर आप मेरे कुछ वीडियो देखें या फिर मेरे कुछ फोटो देखें तो उसमें आपको वो मैकबुक प्रो देखने को मिलेगी। वो मेरे पास अभी भी है, वो मैंने अपने एक एम्प्लॉय को दे दी है, तो वो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो अपने साथ लेके गया है। तो
उस सिस्टम में मैंने काफ़ी टाइम काम किया और मुझे मैकबुक दूसरा लेना था रेटिना वाला, क्योंकि रेटिना में जो है अगर कोई क्रिएटिव प्रोफेशन है वो इस बात को समझ सकता है कि रेटिना में कलर एक्यूरेसी बिल्कुल शार्प दिखती है, कोई भी ग्राफिक पे आप काम कीजिए वो बहुत शार्प दिखता है। इनफैक्ट मेरे पास एक डिस्प्ले भी है, 28 इंच का डिस्प्ले है जिसको मैं लगा काम करता था, लेकिन अभी मैंने उस डिस्प्ले को हटा दिया है क्योंकि उस डिस्प्ले में जो दिखाई देती है चीज़ें वो उतनी शार्प और उतनी क्लियर नहीं है जितना इस मैकबुक प्रो में दिखाई देती हैं, क्योंकि ये रेटिना डिस्प्ले है और मैं इससे पहले नॉन रेटिना मैकबुक यूज़ करता था। तो उस डिस्प्ले को मैंने हटा के अपने एम्प्लॉय के पास लगा दिया है कि यार तुम काम कर लो इसके अंदर, वो उस पर काम करता है। मैं इसी की स्क्रीन पर काम कर रहा हूँ क्योंकि 16 इंच की स्क्रीन है तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, और सबसे बड़ी चीज़ कलर एक्यूरेसी बिल्कुल बढ़िया है और चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखती है। उसके अलावा मेरे मैक यूज़ करने का एक और रीज़न ये भी है क्योंकि काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर जैसे फाइनल कट प्रो है, मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, वो उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट होती है बजाय एडोब प्रीमियर के। मैंने एडोब प्रीमियर पे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो एडिट की हैं, लेकिन फाइनल कट प्रो थोड़ा बढ़िया है और थोड़ा हैंडी है उसकी तुलना में। और सबसे बड़ी चीज़ है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जो कंपेटेबिलिटी है, इसका हार्डवेयर और इसी का सॉफ्टवेयर, इनकी जो कंपेटेबिलिटी है ना उसके कारण आपकी एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा रेयर, मतलब बहुत ही कम क्रैश होती है, रेयरली कोई चांस होता है जब आपकी एप्लीकेशन कोई क्रैश हो जाए। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है, फास्ट चलता है, 2 सेकंड में बूट हो जाता है। वहीं विंडो का अगर सिस्टम देखें तो वो 5 से 7 सेकंड, तो मतलब 5-7 सेकंड तो मैं कम बता रहा हूँ, 1 मिनट ले लेता है पूरा बूट होने में। आप चाहे SSD वाला ही ट्राई कर लीजिए। और दूसरी चीज़ लोग बोलते हैं ये महंगा है, हाँ 2 लाख रुपये मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब अमाउंट छोटा नहीं है, 2 लाख रुपये एक प्रीमियम अमाउंट है और आपको एक प्रीमियम डिवाइस भी मिलती है। इसके ट्रैक पैड जो है वो बहुत ही बढ़िया, एकदम मक्खन की तरह चलता है। तो होल एंड सोल में ये कहूँगा कि ये जो लैपटॉप है ना, ये क्रिएटिव प्रोफेशनल के लिए है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अगर आप UI डिज़ाइनर हैं, UI डिज़ाइन मैं करता हूँ काफ़ी ज़्यादा क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन का जो स्कोप है वो अब थोड़ा कम होता जा रहा है मार्केट में, लेकिन UI डिज़ाइन अभी नई चीज़ है और अभी इसका और बूम रहेगा क्योंकि मोबाइल ऐप वगैरह और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS बनते हैं और वेब UI बनती है, तो उसके लिए UI डिज़ाइन के जो सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ में आते हैं। और सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है स्केच, और स्केच जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैक में आता है, वो मैक OS ओनली है। और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो मैक OS ओनली हैं, जैसे कि एक और सॉफ्टवेयर है आइकन जार, जिसमें मैं अपने सारे आइकन जो हैं, क्योंकि वेब UI में आजकल मोस्टली काम CSS से होता है या आइकन से होता है, और आइकन आपको इंटीग्रेट करने पड़ते हैं, उनकी इमेज स्लाइसिंग नहीं करनी पड़ती है। जो लोग UI डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट करते हैं उनको ये बात पता है कि हर एक चीज़ CSS से आती है, जैसे फॉन्ट ऑसम के आइकन है, पिक्सल डैन के आइकन है। तो आइकन जार जो सॉफ्टवेयर है वो आइकन को एक जगह मैनेज करके रखता है, तो एक UI डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और एक जगह पर काफ़ी सारे आइकन आपको व्यवस्थित मिल जाते हैं और आप उनको तुरंत यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका टाइम बचाती हैं, और ये चीज़ें सिर्फ मैक में ही पॉसिबल हैं। अगर आप विंडो में चाहें भी करने का तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैक OS कंपेटेबल है। तो ये बात होती है आपके यूज़ की, कि आप किस यूज़ में लेना चाहते हैं इस मशीन को। ये मशीन एज ए प्रो है, जैसे मेरे पास जो नॉन रेटिना मैकबुक प्रो है वो मैंने 4 साल पहले लिया था और आज तक वो चल रहा है बिना किसी खर्चे के, नॉट इवन अ सिंगल पैनी आई स्पेंट। उसमें मैंने जो अपग्रेड किया था उसके लिए मैंने 15,000 रुपये के आसपास खर्च किए थे, उसके अलावा आज तक वो सिस्टम में कभी शिकायत नहीं आई। एक बार उसकी स्क्रीन थोड़ी सी कुछ इश्यू आ गया था स्क्रीन के इसमें हिंज में, तो मैं एप्पल स्टोर लेके गया, एप्पल अथॉरिटी सर्विस सेंटर लेके गया और उन्होंने पूरी स्क्रीन चेंज कर दी और मेरे को नई स्क्रीन मिल गई। उसके अलावा वो सिस्टम आज तक चल रहा है बिना किसी रुकावट के, और वहीं पर अगर कोई विंडोज़ मशीन होती, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को इतनी बार उसको फॉर्मेट करना पड़ता, इतनी बार अपग्रेड करना पड़ता जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि मैंने किया है। मेरे पास इससे पहले विंडो मशीन थी, वो अभी भी है, और उसमें मैंने हैकिंटोश डाल रखा है, विंडो है ही नहीं, उसमें हैकिंटोश डाल रखा है और मेरा एक एम्प्लॉई उस पर भी काम करता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो जितने भी एम्प्लॉई हैं 4-5 वो सारे के सारे मैक OS पे ही काम करते हैं, मैं विंडो यूज़ ही नहीं करता हूँ। हाँ, विंडो का मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा है, अगर कोई ऐसी काम पड़ जाए कि मेरे को विंडो यूज़ करना पड़े तो उसके लिए मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा है, लेकिन उस लैपटॉप की परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार है। अनलेस उस लैपटॉप पर मैंने 75,000 रुपये खर्च किए थे, वो टच स्क्रीन का लेनोवो लैपटॉप है, फिर भी उसकी परफॉर्म, और उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला हुआ है, मतलब कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर मैंने नहीं डाल रखा है, सिर्फ वर्ड एक्सेल डाल रखा है, जो बेसिक सॉफ्टवेयर उसके अंदर आए थे, OS उसकी जेन्युइन जो आई थी वही पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी वो सिस्टम इतना थकेला है, इसको कह सकते हैं मतलब इतना स्लो है, क्योंकि जब भी उसको चालू करो वो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में अपडेट शुरू कर देता है। अब कई लोग कहेंगे आप अपडेट को ऑफ़ कर दीजिए, लेकिन बात वो नहीं कि हम अपडेट को ऑफ़ करें, हम
इस चीज़ को ऑन करें या ये सेटिंग करें वो सेटिंग करें, बात यह है कि आप उन चीज़ों को दे ही क्यों रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैक ओएस पर अपडेट आता है, लेकिन कभी भी ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं करता है, आपसे पूछता है इफ़ यू वॉन्ट टू अपडेट देन वी विल स्टार्ट, अदरवाइज यू कैन स्किप इट फॉर टुमारो। तो हम कहते हैं भाई कल अपडेट करेंगे, कभी और अपडेट करेंगे जब हमारे पास टाइम होगा। लेकिन विंडो में ऐसा नहीं होता, बैकग्राउंड में अपडेट होता रहता है और पता चले आप रात को ऑफ कर रहे हैं उसको और पता पड़े वो वहीं अटक गया कि भाई 25 मिनट लगेंगे क्योंकि कोई अपडेट इंस्टॉल हो रहा है। मतलब ऐसी छोटी 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 चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं कि, और उसके अलावा विंडो को पावर ऑफ करो पावर ऑन करो, जबकि ये मैक ओएस जो है इसके आप लिड गिरा दीजिए, खत्म काम। लिड ओपन कीजिए, टच दबाइए और रेडी टू वर्क। एक्चुअल में क्या है कि जो लोग मैकबुक को ख़रीदते हैं ना, वो सिर्फ इस लोगों के लिए ख़रीद लेते हैं, एप्पल का लोगो, एप्पल के लोगों के लिए पैसा खर्च कर देते हैं, उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं कि मैकबुक प्रो जो है उसका सेगमेंट अलग ही है। जो क्रिएटिव प्रोफेशन हैं, जो डिज़ाइनर हैं, जो यूआई डिज़ाइनर डेवलपर हैं, जो साउंड एडिटर्स हैं, जो वीडियो एडिटर्स हैं, जो डीजे वगैरह पे काम करते हैं, जो म्यूज़िक एल्बम बनाते हैं, वो लोग मैक यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये वही चीज़ है जो हमें बिना किसी प्रॉब्लम के फास्ट से फास्ट परफॉर्मेंस देगी, हमारा टाइम बचाएगी। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल थिंग इन टुडे सिनेरियो। समय सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा भी नहीं है। तो इसमें आप शुरू में ज़रूर पैसा खर्च कर देते हैं 2 लाख रुपए, लेकिन उसके बदले आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड कि आप जब इस पर बैठ काम करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। आप शांति से बैठ के कितना भी हैवी टास्क इस पर कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं वो लेने की सोच रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी ना कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, थर्मल थ्रॉटलिंग का, और वो जो बटरफ्लाई कीबोर्ड है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त के पास था वो लैपटॉप, तो उसकी भी की ख़राब हो गई थी, उसने फिर वो जो एप्पल का कीबोर्ड रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है उसके तहत उसने अपना कीबोर्ड रिप्लेस कराया था, तो उस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए मैंने उसमें पैसे नहीं खर्च किए थे, क्योंकि वो था भी मेरे हिसाब से महंगा, क्योंकि मुझे चाहिए था 16 GB रैम का, 8 GB रैम से मेरा कुछ नहीं होता, मैं तो 32 GB ले लेता इसके अंदर अगर होती तो, लेकिन अपने इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने 16 GB लिया। मैंने i7 लिया है, i9 नहीं लिया, क्योंकि उसके पीछे मेरी खुद की वजह है, अब पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन जो थर्मल थ्रॉटलिंग का जो इशू था ना 15 इंच जो प्रीवियस मॉडल में था, वो i9 प्रोसेसर्स के अंदर ही था, क्योंकि किसी ने बोला था, मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि जो i9 का प्रोसेसर है वो इस चैसे में, क्योंकि ये जो कैबिन है, ये जो चैसे है इसका मैकबुक का, ये वही है, तो इस चैसे में वो प्रोसेसर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो उसी चीज़ को ध्यान, मतलब वो उसी की वजह से थर्मल थ्रॉटलिंग हो रही है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर i9 नहीं लिया। इनफैक्ट वो i9 है और 1 TB SSD है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी चीज़ है रैम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 32 GB रैम होती तो मैं उसको ले लेता, एक बार कंसिडर करता कि हाँ 40-50 हज़ार रुपये लगा के अपन ऐसा अपग्रेड करें कि अपना और लॉन्ग रन तक चला जाए। हालांकि मुझे पता है ये सिस्टम 4-5 साल तक मैं आराम से यूज़ करूँगा, और अगर मैंने इसको 4-5 साल यूज़ कर लिया तो ये वर्थ है, अगर मैंने इसको 4-5 साल यूज़ किया है तो ये वर्थ है कि आप 4-5 साल में इससे अपना पैसा रिकवर कर लेंगे 2 लाख रुपए। और हालांकि मैं एक क्रिएटिव प्रोफेशन हूँ तो मुझे तो वैसे भी इससे काम ही लेना है, मेरे को कोई सर्फिंग नहीं करनी है, ब्राउजिंग नहीं करनी है, हाँ वो भी करनी है, लेकिन मेन पर्पस है काम, क्योंकि ये तो मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस एक्सपेंस जैसे आप कह सकते हैं। हाँ मैंने इसको, मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ा है, वो कैसे पड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसके 6% का साइड फ्लैट कैशबैक था, तो मेरे को ये 1,90,000 रुपये का पड़ा है MRP पे, लेकिन मैंने इसका GST का बिल लिया है अपनी फर्म के नाम पर, तो GST इस पर 18% लगता है, तो उसके हिसाब से तकरीबन 30,000 रुपये इसके अंदर से मेरे को वापस GST के मिल जाएंगे, क्योंकि मैं क्लाइंट को बिल रेस करूँगा और वो GST का मैं इनपुट वापस ले लूँगा इस मैकबुक का। तो मेरी जो इफेक्टिव कॉस्ट है इस मैकबुक की वो पड़ी है 1,60,000 रुपये। तो आप अगर मैकबुक लेने का मानस बना रहे हैं और आपके पास कोई फर्म है अपने नाम से, तो आप अपने फर्म के नाम पे लैपटॉप ले सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि US में जो कॉस्ट है वो भी 1,60,000 के आसपास है, यहाँ भी 1,60,000 ही कॉस्ट है, GST लग के 30-40 हज़ार रुपये का जो डिफरेंस है वो GST लग के आता है। तो अगर आप फर्म के नाम से रजिस्टर है तो अपने फर्म के नाम से इसकी बिलिंग करा के इसको और ज़्यादा चीप में, मतलब इफेक्टिव प्राइस तो चीप ही हो गई ना, क्योंकि आपको पैसा तो वापस मिल जाना है, क्योंकि आप क्लाइंट को बिल रेस करेंगे उसमें आप GST लगा के दीजिए, और वो GST आप गवर्नमेंट में मत डालिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी GST इनपुट बिल्ट पड़ा होगा वहाँ पे इस लैपटॉप का। तो ये चीज़ है, तो इससे आप ले सकते हैं। और जो लोग इसको लेने का मानस बना रहे हैं, और जैसे इसमें जो है मैक ओएस कैटेलिना चलता है ना, तो जो लोग अगर ऐसे सोच रहे हैं कि
हम इसको लेंगे, जैसे जो लोग थोड़े प्रो हैं जिनको पता है कि मैकबुक कैसे फॉर्मेट किया जाता है, कैसे दूसरा ओएस इंस्टॉल किया जाता है, उनके लिए मैं यहाँ पर एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने वो गलती कर दी थी तो मैं नहीं चाहता कि आप भी वो गलती करें। एक्चुअल में क्या है, इन लोगों ने इसमें मैक ओएस कैटलिना को कंपेटेबल बनाया है। इसके अलावा अगर आप इसका जो प्रीवियस ओएस है मैक ओएस मोहावे वो इसमें डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं डलेगा। हाँ जी, वो नहीं डलेगा। तो इसको फॉर्मेट तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास अगर मैक ओएस कैटलिना का डंप नहीं है तो आप उसमें कैटलिना इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, और अगर डंप है भी तो भी आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन्होंने क्या किया है, एक नई जो इनकी चिप आई है T2 या T3 चिप इन्होंने इसमें अपग्रेड की है, उसके उसमें एक सेटिंग है जो आपको डिस्क यूटिलिटी में जाके वहाँ से चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो सेटिंग ऑन रहती है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें USB लगाते हैं, USB-C, उसमें चाहे कैटलिना हो, मोहावे तो इंस्टॉल होगा नहीं, अगर उसमें कैटलिना भी है तो वो भी इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि एक्सटर्नल किसी भी डिवाइस से इसमें कोई भी OS इंस्टॉल ना हो। तो मैंने क्या किया था, मैंने इस चीज़ को देखा नहीं और मैंने इसमें सोचा कि मैं इसमें मोहावे इंस्टॉल करूँगा, तो मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया। और जब मोहावे चलाना था तो सबसे पहले तो मेरे पास ये आ गया कि वो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था, सबसे बड़ी चीज़। तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर हो गया। फिर मैंने, मेरे पास दूसरा मैकबुक था, उसमें मैंने R&D गई तो पता चला कि ये मोहावे कंफर्टेबल ही नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है, हो सकता है। फिर मैंने कैटलिना डाउनलोड किया मेरे उस सिस्टम में, उसकी बूटेबल बनाई और फिर डाली, और वो भी इंस्टॉल नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर। फिर दोबारा पता किया तो पता चला ये T2 या T3 चिप का जो पंगा है ये इन्होंने कर दिया है, तो इंस्टॉल ही नहीं होगा। उसके बाद में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। क्योंकि मैंने वही किया, ऑनलाइन जाके आपका वाईफाई पूछेगा, वाईफाई में जाके आप ऑनलाइन उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसमें पूरा दिन लग जाता है। जी हाँ, मैं पूरा दिन सिस्टम रहा और इंटरनेट की स्पीड भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। वैसे तो रिज्यूम हो जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी हुई थी शायद एक बार, कम हुई थी ज़्यादा हुई थी तो हो गया था रिज्यूम तो। लेकिन ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने की थी तो मेरा सारा दिन लग गया था दोबारा से इसमें कैटलिना इंस्टॉल करने के लिए। तो ये मेरे को एक सबक मिला था, इसको मैंने जब फॉर्मेट कर दिया था, मैंने बगैर देखे और बगैर जाने फॉर्मेट कर दिया, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ इन्होंने कर दिया होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सिस्टम ले रहे हैं तो इसे फॉर्मेट मत कीजिएगा, बिल्कुल ही मत कीजिएगा। और जो उसका जो वो है, अगर आपको वो हटाना है कि ये बूटेबल हो जाए, मतलब एक्सटर्नल ड्राइव से बूट हो जाए, तो उसमें आप जब आप उसको रीस्टार्ट करें तो कमांड डी दबा के उसमें एक ऑप्शन आएगा डिस्क यूटिलिटी का, डिस्क यूटिलिटी से आप सिक्योरिटी हटा सकते हैं। उसका ट्यूटोरियल का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। और मैं कहूँगा कि मेरा तो यही रीज़न था 2 लाख रुपए इस लैपटॉप पे खर्च करने का, मुझे ये लैपटॉप होल एंड सोल काम के लिए चाहिए, और मैं काफ़ी ग्राफिक हैवी वर्क करता हूँ, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो UI हो, चाहे वो किसी भी तरह वीडियो एडिटिंग हो, कुछ भी काम हो, तो मैं काफ़ी ग्राफिक हैवी वर्क करता हूँ, सर्वर्स वगैरह मेंटेन करता हूँ, सर्वर वगैरह मैनेज करता हूँ। तो उसके लिए मेरे हिसाब, मेरे लिए तो ये मशीन बेस्ट है। मैं विंडोज़ पे रिलाय नहीं हो सकता इसके लिए, और मैंने जैसा आपको बताया कब कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो सिर्फ मैक ओएस ओनली हैं, और वो सॉफ्टवेयर काफ़ी क्रूशल है मेरे प्रोफेशनल कैरियर के लिए, प्रोफेशनल जो मेरी लाइफ है उसके लिए। तो मुझे तो मैक ओएस इसलिए यूज़ करना रहता है, और मैकबुक प्रो, और काफ़ी हैंडी है। आप इसको उठाइए, बैग में डालिए, कहीं आपको क्लाइंट प्रेजेंटेशन देनी है, क्लाइंट मीटिंग है, तो एक तरीके से आपका पूरा बिजनेस आपके लैपटॉप में आपके साथ चल रहा है, आप कहीं भी जाके क्लाइंट को कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए इस लैपटॉप के पीछे। अगर आपने भी मैकबुक प्रो लिया है तो आपके क्या राय हैं, और आपने क्यों खर्च किए 2 लाख या उससे ज़्यादा रुपए अपने मैकबुक प्रो पर, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जैसे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले अपडेट हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, जय श्री राम।